तो कैसे हो आप सभी लोग, होप यू आर वेल। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई व्यक्ति है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, इलेक्ट्रिक झटका लग जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए और उसको कैसे हमें केयर करनी चाहिए। पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक किसी को भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है, मुझे भी लग सकता है। कब लग सकता है ये हमें कोई पता नहीं है। ये अनहोनी हमारे साथ कभी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम कहीं मशीनरी के पास काम करते हैं वहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हमारे हाउस होल्ड, मतलब कि जितने भी हमारे शरीर में हाउस होल्ड मशीन हम यूज़ करते हैं, कूलर हैं, मिक्सी वगैरह हैं, टीवी हैं, वहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या बारिश वाली सीजन में कहीं खंभे के पास में भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उस समय आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आगे वाले व्यक्ति को क्या देना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले हमें उस स्थान को एक बार देख लेना चाहिए कि व्यक्ति को कहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, कौन सी जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। सबसे पहले वहां की जगह को आइडेंटिफिकेशन करना है। कैसे करना है कि देखिए, वहां की जगह पर अगर आसपास में पानी फैला हुआ है तो कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक जिस व्यक्ति को लगा है उसके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को आप छुड़ाने जाओगे तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि आसपास वाले एरिया में पानी होने की वजह से वहां पर भी इलेक्ट्रिक जो वेव है वो फैल गई है, आपको भी झटका लग जाएगा, आप भी साथ में शॉक के चपेट में आ जाओगे। तो उस समय आपको क्या करना है कि सूखी लकड़ी, कोई भी लकड़ी लेकर आप उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक सॉकेट से हटाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उस व्यक्ति को आपको इजीली से लेटा देना है और उसकी एबीसी चेक करनी है। एबीसी मतलब एयर वे, ए का मतलब होता है एयर वे, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन, ठीक है। ए का मतलब एयर वे कैसे चेक करनी है कि भाई उस व्यक्ति सही से सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो आपको उसको एक अच्छी फ्लैट पोजिशन में सुलाना है जिससे वो व्यक्ति अच्छे से एयर वे ले सके, ठीक है। सेकेंड है उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग मतलब उसकी सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो नाक के पास में कान लेके आप सुन सकते हो कि सांस की आवाज आ रही है नहीं आ रही है। छाती पे आप हाथ रखकर भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग ले रहा है नहीं ले रहा है। थर्ड है सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन सही से हो रहा है नहीं रहा है, व्यक्ति की बीपी मतलब ब्लड प्रेशर सही से है या नहीं है, उसकी हार्ट रेट सही से है या नहीं है। तो एबीसी सबसे पहले आपको चेकअप करना है, ठीक है। सेकेंड जो बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक को हो सके तो आपको सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना है। हो सके आपके अगर हाथ में है इलेक्ट्रिक शॉक का, जहां पर भी मेन स्विच इलेक्ट्रिक जा रही है वहां के मेन स्विच को आपको सबसे पहले बंद कर देना है। अगर आप मेन स्विच को बंद कर दोगे तो इलेक्ट्रिक जो प्रवाहित हो रही है उस व्यक्ति में वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। कई कंडीशन में व्यक्ति को ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक, हाई वोल्टेज अगर लग जाता है तो व्यक्ति को सीजर भी आ सकते हैं, व्यक्ति की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, व्यक्ति की हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज भी हो सकती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर डाउन डिक्रीज हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी हो सके तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना है जिससे उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सके, डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपको बहुत इजी तरीके से देना है। अगर व्यक्ति की धड़कन चल रही तो आप सीपीआर भी दे सकते हैं, ठीक है। सीपीआर क्या होता है आगे हम वीडियो में कभी बात करेंगे। तो सीपीआर सबसे पहले माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं, माउथ टू नोज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम।